तो हम बात कर रहे थे कि मान लो आपको जो मेजरमेंट करना है, ठीक है ना, जो आप लेंथ मेजर करना चाह रहे हो वो काफी काफी छोटी है 1 मीटर स्केल के लिए मेजर करने के लिए। अगर हम उस लेंथ को मीटर स्केल से मेजर करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं अगर बोलूं कि हमारे पास कोई मीटर स्केल है, ठीक है, तो उसमें सबसे छोटा इस तरह से अगर दिखा देते हैं कि कुछ इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरह से 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो सबसे छोटा जो आप मेजर कर पा रहे हो वो क्या कर पाओगे, 1 मिलीमीटर को मेजर कर पाओगे। और मान लो कि हमें इससे भी छोटी वैल्यू उसको मेजर करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें ये इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, सीधे इसी पे आ जाते हैं। पहला जो इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में है और जो हमें पढ़ना है वो है वर्नियर कैलिपर। ठीक है ना, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा इसे हम क्या बोलते हैं, वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। अब इसका यूज क्या है, तो इसका यूज है कि बहुत छोटी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो उसके डायमेंशंस को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं कि मेरे पास मान लो कि एक बहुत छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है ना, इस तरह से, इस तरह से कुछ थिकनेस होगी इसकी, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है ना, एक इनर रेडियस होगा, एक आउटर रेडियस होगा और इसकी कुछ हाइट भी होगी। मान लो कि ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, मेजर करनी है, तो मीटर स्केल से कर पाना ये पॉसिबल नहीं है, मान लेते हैं इसके डायमेंशन इतने छोटे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम वर्नियर कैलिपर को यूज करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि वर्नियर कैलिपर बनता कैसे। तो किसी भी वर्नियर कैलिपर के अंदर दो स्केल्स होती हैं, ठीक है ना, एक तो होती है ये जो आपको अंदर दिख रही होगी, अगर मैं जो पीछे वाला पोर्शन है आप देख सकते हो ये लंबा वाला पोर्शन, सिर्फ उसे ड्रॉ कर दूं तो इसे हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल बोलते हैं। इस स्केल में कुछ खास नहीं होता, ये आपकी सिंपल मीटर स्केल जैसी होती है, ठीक है ना, इसमें भी रीडिंग्स होती हैं, यही 0 से स्टार्ट होके, ठीक है ना, इस तरह से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इस तरह से इस पे रीडिंग्स रहती हैं। तो ये आपकी क्या हो जाती है, फिक्स स्केल हो जाती है। अब इस स्केल को वर्नियर कैलिपर बनाने के लिए क्या किया गया, एक वैज्ञानिक जिनका नाम क्या था, वर्नियर था, उन्होंने अपनी एक स्केल बनाई और उसे इस नॉर्मल स्केल के ऊपर क्या कर दिया, माउंट कर दिया, और उस स्केल को नाम दिया क्या, वर्नियर स्केल। तो जो दूसरी स्केल यहां पे बनाई जा रही है इसके ऊपर, इसे हम क्या बोल देते हैं, वर्नियर स्केल बोल देते हैं। और ऐसा कर देने से कुछ ऐसा हुआ कि अब आप काफी छोटी वैल्यूज को मेजर कर पा रहे थे, समझ आई बात। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर क्या है, एक स्पेशल स्केल है जो कि वर्नियर स्केल कहलाती है, उसे हमने माउंट कर दिया है अपनी नॉर्मल स्केल के ऊपर, ठीक है ना। ये जो वर्नियर स्केल थी ये मेन स्केल के ऊपर क्या कर सकती है, आसानी से स्लाइड कर सकती है, आप इसे आगे पीछे लेके जा सकते हो, और यहाँ पे एक स्क्रू जैसा होता है जिसकी हेल्प से हम इसे आगे पीछे लेके जा सकते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, रिटेनर बोल देते हैं, नाम है उसका, ठीक। जो फिक्स स्केल होती है उसे हम नाम देते हैं मेन स्केल, और ऑब्वियसली इसका नाम तो मैं बता ही चुका हूं क्या है, वर्नियर स्केल। अब बात यह है कि वर्नियर स्केल के ऊपर भी एक जॉ है, ये जो चीजें यहां पे दिख रही हैं आपको इन्हें हम बोल देते हैं जॉज। और जॉ क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आप इन्हीं के बीच में क्या करते हो, फंसाने की कोशिश करते हो, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं ये टॉप के लिए हो गया, कुछ इस तरह का होता है ये वर्नियर स्केल और ये मेन स्केल। अब इनको नाम किस तरह से दिया गया है, तो ऐसा सोच के देखो कि मुझे ये सिलेंडर के डायमेंशंस मेजर करने थे, मान लो कि मुझसे कोई बोले इस सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर कितना होगा, यानी ये पूरा डायमीटर कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा, इस स्क्रू की वजह से, इस रिटेनर की वजह से पहले ऐसे क्या करूंगा, इस तरह से पुश करके राइट की साइड ले जाऊंगा, जिससे इन दोनों जॉज के बीच का गैप क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। मैं सिलेंडर को लाके इसके अंदर रख दूंगा और फिर रिटेनर से वापस लाके इसे बंद करके स्क्रू से क्या कर दूंगा, पोजीशन को लॉक कर दूंगा, समझ आई बात। तो ये जो जॉज हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करने के काम में आते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इन्हें एक्सटर्नल जॉज बोलते हैं, समझ आ रही बात। ये जो नीचे वाले जॉज होंगे इनको आप नाम क्या दोगे, एक्सटर्नल जॉज नाम दोगे, ठीक है ना। अब यहां हम देख सकते हैं कि ये जो जॉ है ये तो वर्नियर स्केल के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, जबकि ये वाला जॉ क्या है, फिक्स्ड है, तो इसे हम नाम दे देते हैं मूवेबल जॉ, जबकि ये हो जाता है आपका क्या, फिक्स्ड जॉ, ठीक है ना। अब मान लो कि कोई आपसे बोले कि आपको इनर डायमीटर मेजर करना है, इसी सिलेंडर का इनर डायमीटर मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, रिटेनर की हेल्प से इन दोनों का गैप इतना कम कर देते हैं, ये जो ऊपर वाले हैं, ताकि हम सिलेंडर को इनके ऊपर इस तरह से फंसा सकें,
समझ आ रही है बात। और अब आप इसे रिटेनर को ले जाते हो ताकि ये दोनों तरफ जाके क्या हो जाए, इस तरह से कुछ क्लैंप हो जाए। तो अब जो आपको यहाँ पे रीडिंग मिलती होगी उससे आप क्या मेजर कर पाते होगे, इंटरनल डायमीटर मेजर कर पाते होगे। रीडिंग कैसे लेते हैं वो मैं भी बताऊंगा, मैं बस क्या बता रहा हूँ, यूज बता रहा हूं। इसलिए इन दोनों जॉज को हम नाम क्या दे देते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं इंटरनल जॉज, क्योंकि ये किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या बता सकते हैं आपको, इंटरनल डायमेंशन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। इसमें भी एक जॉ क्या हो जाएगा, जो वर्नियर स्केल से कनेक्टेड है वो तो हो जाएगा मूवेबल, और जो मेन स्केल से कनेक्टेड है वो क्या हो जाएगा, फिक्स्ड। ये वाले फिक्स्ड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जॉ फिक्स्ड है और ये वाला जॉ क्या है, फिक्स्ड है। तीसरी चीज जो आपको मेजर करनी होगी सिलेंडर में, वो होगी सिलेंडर की हाइट। तो वो ऑब्वियसली हम किस तरह से मेजर करते हैं, तो आपको इस वर्नियर कैलिपर के एंड में एक ये पिन जैसी दिख रही है, ठीक है ना, जो कि एक मेटल की स्ट्रिप जैसी होती है। जैसे जैसे आप रिटेनर को पीछे की तरफ स्लाइड करते हो, इस पिन की लेंथ क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, इस वर्नियर कैलिपर को मैं वर्टिकली खड़ा कर लूंगा, रिटेनर को इस तरह से एडजस्ट करूंगा कि जस्ट पिन इसके अंदर क्या हो, जा रही हो, और यहां से हमारी वापस से क्या हो, वर्नियर स्केल हो। समझ आ रही है बात, कुछ इस तरह से वर्नियर कैलिपर यहां पे होगा। तो ये जो यहां से आपको मेटालिक स्ट्रिप बाहर निकलती हुई दिखती है पीछे से, उसको हम यूज करते हैं किसके लिए, डेप्थ मेजर करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की। तो बेसिकली वर्नियर कैलिपर क्या है आपका, वर्नियर कैलिपर बेसिकली दो स्केल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि क्या कर सकता है, बहुत ही छोटी छोटी वैल्यूज को मेजर कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जहां नीचे वाले जॉज जिन्हें हम एक्सटर्नल जॉज बोल रहे हैं और ऊपर वाले जॉज जिन्हें हम इंटरनल जॉज बोल रहे हैं, उन सभी का पर्पस अलग है। सिमिलरली डेप्थ मेजर करने के लिए भी क्या कर सकते हो, आप इस वर्नियर कैलिपर को यूज कर सकते हो। स्केल के अंदर हम जानते हैं सबसे छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर पाओगे, मान लो कि एक सेंटीमीटर को हमने 10 डिवीजन में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। यहां पे आप देख सकते हो एक सेंटीमीटर को मैंने 10 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है, तो सबसे छोटी रीडिंग जो आप ले सकते हो क्या हो सकती होगी, एक डिवीजन की लेंथ। तो लीस्ट काउंट सिंपली क्या हो जाता है, लीस्ट काउंट आप बता सकते हो क्या हो जाता है, वन डिवीजन की लेंथ एक मीटर स्केल के लिए, जो कि हमें कितनी मिल जाएगी, एक मिलीमीटर मिल जाएगी, क्योंकि एक सेंटीमीटर को मैंने किस में डिवाइड किया था, 10 डिवीजन में डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो इसे हम क्या देते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब वर्नियर कैलिपर के लिए, जनरल वर्नियर कैलिपर की अगर मैं बात करूं, दो तरह के वर्नियर कैलिपर मैं पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। पहला हम कहते हैं डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर। तो डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर तो क्या हो गया, जिसका डायग्राम आप देख रहे हो, और उसमें एक खास बात है, क्या अगर आप, मैं इस तरह से सिर्फ स्केल को ड्रॉ कर रहा हूं, वो बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्केल ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये है मेन स्केल, यहां पे कुछ जीरो होगा, 2 3 4 5 एक सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, इस तरह से हमारी कोई मेन स्केल है, ठीक है ना। और यहां पे होती है आपकी वर्नियर स्केल, तो मैं ले लेता हूं वर्नियर स्केल कुछ इस तरह से, ये है 0, ठीक है। अब उसका डिवीजन क्या है, छोटा है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरह से रहता है उसके अंदर भी। तो आपको क्या बताया जाएगा, किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए आपको यह बताया जाएगा कि कितने डिविजन्स वर्नियर स्केल के ऊपर है और कितने डिवीजन से वो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के। समझ आई बात, इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डायरेक्ट वर्नियर के लिए अगर मैं बोलूं डिवीजन की लेंथ होगी, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज लेस देन लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है ना। जो मैंने ऊपर ग्रीन से बनाया है वो आपका क्या है, मेन स्केल है, यानी कि जो फिक्स वाली स्केल थी उसकी रीडिंग्स हैं, और जो नीचे रेड में मैंने बनाया है वो आपका क्या है, वर्नियर स्केल है। तो जनरली क्या किया जाता है, जो डायरेक्ट वर्नियर आपका होगा, जो कि 95% केसेस में आपको मिलता है, जिन पे मोस्टली क्वेश्चन आते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है कि जो एक डिविजन का जो लेंथ होगा वो कम होगा किससे, मेन स्केल से। समझ आई बात, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर्स को हम क्या बोल देते हैं, डायरेक्ट वर्नियर कैलिपर बोल देते हैं। अब किस वर्नियर कैलिपर को आप एक एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर बोलोगे, तो उसे हम एक एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर कहते हैं। देखो यहां पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, अगर आप दोनों जॉज को कनेक्ट कर दो, अगर मैंने दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल जॉज जो हैं उन्हें आपस में कनेक्ट कर दिया है, यानी बीच में
कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं रखी है, तो ऑब्वियसली रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। तो उस वर्नियर कैलिपर को हम एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर कहते हैं जिसमें दोनों का, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, ये क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। कोइंसाइड करने का मतलब हो गया एक ही लाइन के ऊपर क्या करे, लाई कर जाए। ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम बोलते हैं कि ये एकदम एक्यूरेट है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। अब एरर, कैसी एरर की मैं बात कर रहा हूं, तो याद करो हमने कहा था एक सिस्टमेटिक एरर के पढ़ते समय कि हो सकता है कि आप सस्ता इंस्ट्रूमेंट ले आए हो या काफी समय से आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, तो क्या हो जाता है उसमें वेयर एंड टेयर आ जाता है, खराब हो जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट, सही रीडिंग नहीं दे रहा होता, ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो ये जीरो जीरो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अगर आपका जीरो कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल का वर्नियर स्केल से, जब आपने कोई भी ऑब्जेक्ट जॉज के बीच में नहीं रखी है, तो ऐसे वर्नियर कैलिपर को हम क्या बोल देते हैं, एक्यूरेट वर्नियर कैलिपर बोल देते हैं। अब बात आती है कि इस वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट में कैलकुलेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज है जो कि इसे स्पेशल बनाती है, किसी वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता क्या है। तो समझने की कोशिश करो, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं अपनी मेन स्केल लिए, हो गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ कर दिया, और यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं अपनी वर्नियर स्केल, ठीक है ना। तो मान लो कि ये आपका 0 है, ये 1, 2, 3 फाइव, कुछ इस तरह का दिया हुआ है, समझ आ रही है ना बात। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझ के देखो, जो आपकी मेन स्केल थी वो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकती थी। तो आप अगर देखो तो जो हमारी मेन स्केल थी वो सबसे छोटी वैल्यू जो मेजर कर सकती है वो ये दूरी है, क्यों ना मैं उसे बोल दूं X1, समझ आई बात। और जो आपकी वर्नियर स्केल है वो सबसे छोटी दूरी कौन सी मेजर कर सकती है, तो आपकी वर्नियर स्केल सबसे छोटी दूरी जो मेजर कर सकती है वो उसके एक डिवीजन की लेंथ हो जाएगी, उसे मैं बोल देता हूं X2, समझ आ रहा है। क्योंकि आपको पता है कि X2 क्या है, लेस देन X1 है। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोल देते हैं उसे, डायरेक्ट वर्नियर बोल देते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं पूछूं कि जो इंस्ट्रूमेंट है आपका वो सबसे छोटी वैल्यू क्या मेजर कर सकता है, X1, X2 या कुछ और, तो उसे हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस समय आपने उनके जॉज के बीच में कोई भी चीज नहीं फंसा रखी है, जो वर्नियर कैलिपर है उसके जॉज के बीच में कोई भी चीज नहीं फंसा रखी, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दोनों के जीरोस क्या कर रहे हैं, आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। अगर मैं जो वर्नियर स्केल है इसे हल्का सा स्लाइड कर दूं कहां की तरफ, राइट की तरफ, तो क्या होगा, अगर आप अपनी वर्नियर स्केल को हल्का सा स्लाइड कर दोगे राइट की तरफ, तो देखो मैंने इस तरह से स्लाइड किया है कि दोनों का पहला जो डिवीजन है वो क्या करने लग जाए, आपस में कोइंसाइड करने लग जाए, समझ आई बात। यानी कि इसका जो 1 था पहला डिवीजन जहां एंड हो रहा था, और जो वर्नियर स्केल है उसका जो पहला डिवीजन जहां एंड हो रहा है, मैंने नीचे वाली स्केल को ऐसे स्लाइड किया कि ये इससे क्या करने लगा, कोइंसाइड करने लगा, ठीक है ना। बाकी सब तो नहीं कर रहे हैं अभी कोइंसाइड, ऐसा कुछ होगा आगे, इसकी कहानी से हमें मतलब नहीं है, मैंने बस किस पे ध्यान दिया, पहले वाले पे, तो ऑब्वियसली जीरो थोड़ा सा आगे आ गया होगा, समझ आ रही है ना बात। मैंने बस कुछ नहीं किया है, नीचे वाला जो रेड कलर में वर्नियर स्केल था उसे हल्का सा राइट में क्या कर दिया है, स्लाइड कर दिया। अच्छा, अगर आपने नीचे वाली स्केल को हल्का सा स्लाइड कर दिया है राइट में, तो जो जॉज पहले यूं कनेक्टेड थे आपस में, ये हमारे दो जॉज थे और ये कुछ इस तरह से कनेक्टेड थे, उनके बीच में अब ऑब्वियसली क्या आ गया होगा, कुछ गैप आ गया होगा, समझ आ रही है कि नहीं हमारी बात। क्योंकि नीचे वाला जॉ वर्नियर स्केल से कनेक्टेड है, ये वाला, इसे आपने क्या किया, राइट की तरफ स्लाइड कर दिया। तो ये जो दूरी है ये आप मेजर करके बता सकते हो, कौन सी दूरी, तो जरा इसे जूम करके और देख लें, मैं इस दूरी की बात कर रहा हूं, दो जीरोस के बीच का गैप, ये जो दो जीरोस के बीच का गैप है वही तो यहां पे आपने फिट किया होगा, तो वो हम सिंपली बता सकते हैं क्या हो जाएगा वो हमारा, वो सिंपली आपको दिख रहा है कि ये जो पूरी डिस्टेंस थी, ये थी पूरी X1, और जीरो से लेके पहली रेड लाइन के बीच का जो डिस्टेंस था ये था X2। इसका मतलब कि ये जो डिस्टेंस है अभी भी, ये तो आपका क्या है, X1, और ये जो डिस्टेंस है ये आपका क्या है, X2।
तो सबसे छोटी वैल्यू जो आप मेजर कर सकते हो, कौन सी मेजर कर सकते हो, वो आप ये वाली वैल्यू मेजर कर सकते हो, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप लीस्ट काउंट बता सकते हो अपने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स। समझ आई बात? या इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, लीस्ट काउंट ऑफ अ वर्नियर कैलिपर हो जाएगा वन मेन स्केल डिविजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिविजन। तो ये हो जाता है हमारा सबसे पहला फॉर्मूला वर्नियर कैलिपर के लिए। मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया कि फॉर्मूला कहां से आया है। सबसे छोटी वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो एक मेन स्केल का डिवीजन नहीं होता, वो एक वर्नियर स्केल का डिवीजन नहीं होता, बल्कि वो क्या होता है, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल के डिवीजन की लेंथ का डिफरेंस। हाँ, अब ये अच्छा डाउट है, कोई पूछ रहा है कि ये जो डिवीजन है ये स्केल टू स्केल डिपेंड करता है डिफरेंस या सेम रहता है? तो आप कैसा भी वर्नियर कैलिपर बना सकते हो, दुनिया में हर तरीके के आते हैं, ठीक है ना, उस हर एक के लिए अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। आजकल तो डिजिटल भी आने लग गया है जहां आपको ये सब मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन इसी पे आता है ऑब्वियसली। तो अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स के अलग अलग मेन स्केल डिविजन और वर्नियर स्केल डिविजन की लेंथ हो सकती है, लेकिन हाँ उनका जो फॉर्मूला रहेगा लीस्ट काउंट का वो यही रहने वाला है, क्योंकि लॉजिकली सोच के देखो भले आप कुछ भी कर दो लीस्ट काउंट का तो यही रहने वाला है। कर रहा हूं किसकी, रिलेशन। तो हमें ये समझ आ गया कि लीस्ट काउंट का फॉर्मूला तो हर वर्नियर कैलिपर के लिए सेम रहने वाला है, क्योंकि हो जाएगा क्या, वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स की अलग अलग रिलेशन होती है बिटवीन मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई वर्नियर कैलिपर है तो कोई आपको इस तरह से रिलेशन देगा कि एन मेन स्केल डिविजन इज इक्वल टू एम वर्नियर स्केल डिविजन्स। यानी देने वाले का मतलब यह है कि उन्होंने जो वर्नियर कैलिपर यूज किया है उसमें एन मेन स्केल डिविजन्स की जितनी लेंथ है वो इक्वल है एम वर्नियर स्केल डिविजन्स की लेंथ की। अब ये अलग अलग हो सकता है, और आप क्या देख चुके हो, आप देख चुके हो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। आपको पता है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर के लिए जो लीस्ट काउंट आ जाता है वो हो जाता है वन मेन स्केल डिविजन की लेंथ माइनस वन वर्नियर स्केल डिविजन की लेंथ। तो यहां से मैं वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ को इसमें पुट कर सकता हूं, ये हो जाएगा वन एम एस डी माइनस एन बाय एम एम एस डी। समझ आ रही बात? यानी सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा एम माइनस एन बाय एम इंटू एम एस डी। समझ आ रही बात? तो ये हो जाता है क्या आपका रिलेशन। इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। समझ आ रही बात? अलग अलग वर्नियर कैलिपर्स के लिए अलग अलग रिलेशन दी रहती है, एन और एम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं। उनके बेसिस पे अगर हमें मेन स्केल डिवीजन की लेंथ पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। समझ आई बात? इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है जो कि मोस्टली क्वेश्चन आपको दिखते हैं मेन्स में, एडवांस में नहीं, मेन्स में जो क्वेश्चन आपको दिखते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि इस तरह से कुछ दे देते हैं कि एन वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं किसके साथ, एन माइनस वन मेन स्केल डिविजन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं बोलूं कि 10 वर्नियर स्केल डिविजन की जो लेंथ है, वर्नियर स्केल के 10 डिविजन की जो लेंथ है वो इक्वल है 9 मेन स्केल डिविजन की लेंथ के, ठीक है ना। अगर ऐसा कहीं भी दिया हुआ है तो लीस्ट काउंट का आप दूसरा फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो कि इसी से आ रहा है, सिंपली डिराइव करने से आ रहा है। वो हो जाता है आपका सिंपली क्या, अगर ऐसा मैं कर दूंगा तो देखो एन माइनस एन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो गया, मेन स्केल डिवीजन की लेंथ अपॉन नंबर ऑफ डिविजन इन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाता है, मेन स्केल डिवीजन लेंथ ठीक है ना बाय नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन ठीक है ना। ये सिर्फ आप कब यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ आप तब यूज करोगे जब n और m के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ये बताने की भी जरूरत नहीं है, पर क्या होता है कई बार आपको सिर्फ ये दे दिया जाता है कि मेन स्केल डिवीजन की लेंथ इतनी है और वर्नियर स्केल पे इतने डिविजन्स हैं, तो आप लीस्ट काउंट इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आ रही है क्या बात? लेकिन अगर n और m में डिफरेंस 1 का नहीं है, जैसे कोई बोले कि n जो था वो 10 था पर m जो था वो 8 था, तो फिर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज करते। कौन से यूज करते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हम उसी को क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्या सबको समझ आ रहा है कि कैसे हम लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट का?
जो भी हमें 1 ईयर कैलिपर दिया होगा उसकी आपको एक तो क्या चीज चाहिए, रिलेशन चाहिए। रिलेशन के साथ साथ आपको चाहिए कि एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी है। अगर ये दोनों चीजें आपके पास नोन है तो आप क्या निकाल सकते हो, लीस्ट काउंट निकाल सकते हो। जिसमें हम एक केस याद रख लेते हैं कि अगर एम और एन के बीच का जो अंतर है वो 1 का है, जैसे 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंपली मेन स्केल डिवीजन अपॉन नंबर ऑफ 1 ईयर डिविजन, ताकि हमें क्या मिल जाए, लीस्ट काउंट, जो कि इफेक्टिवली यही फॉर्मूला है। समझ आ रही है ना बात? तो ये हो जाता है किसके लिए, डायरेक्ट 1 ईयर के लिए। अब अगर ऐसा हो जाए कि एक 1 ईयर स्केल डिवीजन की लेंथ ज्यादा हो जाए एक मेन स्केल डिवीजन की लेंथ से, तो ऐसे 1 ईयर कैलिपर को हम कहते हैं रेट्रोग्रेड 1 ईयर कैलिपर, ठीक है ना। इस पे जेई में क्वेश्चन आ चुका है 2016 में, और बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है आज तक, क्योंकि उससे पहले कोई इतना डेप्थ में इसे पढ़ता नहीं था, तो वो हम करेंगे आगे चल के। पर पहले हम देख लेते हैं कि आप किसी भी डायरेक्ट 1 ईयर कैलिपर पे आप रीडिंग किस तरह से लोगे। तो देखो काफी सिंपली समझ सकते हैं हम रीडिंग किस तरह से लेंगे। ये है हमारे पास मेन स्केल, अब ये तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं ये है आपका 1 सेंटीमीटर और ये आपका 2 सेंटीमीटर, तो ये स्केल तो आपकी क्या है, फिक्स्ड है। आप मूव किसे कर सकते हो, तो आप मूव कर सकते हो नीचे वाली 1 ईयर स्केल को। तो देखो पहले क्या रहता है, जब दोनों जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है, जब दोनों जॉज के बीच में कुछ भी नहीं है तो वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड करता है आपकी मेन स्केल के जीरो से। लेकिन हमें समझ आया है कि जैसे जैसे मैं जॉज के बीच का गैप बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना, ये गैप अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे इस तरह से, है ना, ये अपना वर्नियर कैलिपर कुछ इस तरह का डायग्राम, जॉज के बीच का गैप अगर आप बढ़ाने की कोशिश करोगे तो वर्नियर स्केल का जीरो क्या होगा, स्लाइड होने लग जाएगा। मान लेते कि हम स्लाइड करते गए और ऑब्जेक्ट को यहां पे बीच में हम फंसाते गए, और जिस समय पे हमारा एकदम सही डायमेंशन आ गया है उस समय पे वर्नियर स्केल का जीरो कुछ यहां पहुंच चुका है, और बाकी तो उसके साथ स्केल तो मूव कर ही रही है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का दिया हुआ है मान लो। तो अब ये रीडिंग आपको बतानी है कि आपने कितना मेजरमेंट किया है। समझ आ रही है ना बात? मैंने नीचे वाली स्केल को स्लाइड किया जिसकी वजह से जॉज के बीच में गैप आया, और वहां पे मैंने एक चीज को क्या कर दिया है, फिट कर दिया। अब मुझे ये रीडिंग बतानी है, तो ऐसा सोच के देखो कि इसकी लेंथ है कितनी इफेक्टिवली। आपको पता है कि यह है 1 सेंटीमीटर जो कि डिवाइडेड है 10 डिविजन में, तो ये हर एक डिविजन कितने का है, 1 mm का है। तो कितने डिविजन तो पार हो चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिविजन पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, पार हो चुके हैं। देखो अगर आप ध्यान से, तो इसके अंदर 6 डिवीजन तो पूरी तरह से पार हो चुके हैं, यानी इतनी लेंथ तो है ही है। और कितनी एक्स्ट्रा लेंथ है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो छोटी सी लेंथ है, ये एक्स्ट्रा लेंथ मुझे क्या करनी है, बस ऐड करनी है, ताकि मुझे क्या मिल जाएगी, पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो एक तो मैं कह दूंगा सिंपली क्या हो गया, एक तो हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग, ठीक है ना, मेन स्केल रीडिंग MSR से हम उसे कह देते हैं, इतनी तो है ही है, प्लस अगर मैं इसे x बोल देता हूं तो ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस x। अब ये x कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो x कैलकुलेट करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। आपको ये देखना है कि इस जीरो के बाद, जो वर्नियर स्केल का जीरो है, उसके बाद कौन सा वर्नियर स्केल का डिवीजन मेन स्केल के डिवीजन से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है। तो अगर मैं चल के देखना शुरू करूंगा तो 1, 2, 3, 4, 5, पांचवा डिवीजन जो मैंने ड्रॉ किया है वो एग्जैक्टली क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया है किसके साथ, आपके मेन स्केल के डिवीजन के साथ। तो अब सिंपली आप रीडिंग बता सकते हो क्या, ठीक है ना, रीडिंग हम सिंपली बता देंगे कि जो मेन स्केल पे दिख रही थी वो तो थी ही, यानी मेन स्केल रीडिंग तो रहेगी रहेगी, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन, कौन सा डिवीजन है जो कोइंसाइड किया है, ठीक है ना, और इनटू लीस्ट काउंट, जो आपके 1 ईयर कैलिपर का क्या है, लीस्ट काउंट है। इससे आपको ओवरऑल क्या मिल जाती है, कर सकते हैं सिंपली रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट, समझ आया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सिंपली क्या, डायरेक्ट 1 ईयर के लिए। आपको रीडिंग क्या बतानी है, आपको बताना है मेन स्केल में कितने डिविजन पार हो चुके हैं, प्लस लीस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर जो कि कैलकुलेट करना हमने अभी जस्ट सीखा है, इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अभी कोइंसाइडिंग डिवीजन देखने में क्या हो जाती होगी, एरर हो जाती होगी, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन एरर, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं,
कई बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं जिससे कि आपकी रीडिंग क्या आ जाए, एक्यूरेट आ जाए, आप मीन ले लोगे, एवरेज ले लोगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कुछ लोगों को तो समझ आया होगा, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके ऊपर, जैसे जरा देखो, तो मान लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा गया व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वन ईयर कैलिपर एज शोन इन फिगर। तो यहां पे हमारे पास फिगर है, हमें इसका क्या बताना है, लीस्ट काउंट बताना है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो सिंपली आपको एक रिलेशन दी गई है, क्या पहले तो आपको पता है कि वन मेन स्केल डिविजन कितना है, एक मेन स्केल डिविजन की लेंथ हमें बताई गई है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या पता लग गया, एक मेन स्केल डिविजन की लेंथ पता है कितनी है, 1 mm है। और क्या बताया गया है, यहां पे हम देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, देखो जरा यहां पे दिया हुआ है मेन स्केल का 0, 1, 2, 3 कितना है, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। और यहां है हमारी वन ईयर स्केल जिसमें दिया है 0, कुछ इस तरह से दिया गया है। तो यहां पे दिया गया है सीधे सीधे के फिफ्थ वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर गया किसके साथ, फोर्थ मेन स्केल डिवीजन के साथ। तो आप देख सकते हो कि इतनी डिस्टेंस में मेन स्केल के तो कितने हैं, 4 डिवीजन, और वर्नियर स्केल के कितने हैं, 5 डिवीजन। तो मैं क्या कह सकता हूं, सिंपली मैं कह सकता हूं कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ इक्वल है 4 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ के। तो मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, मैं निकाल सकता हूं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ कितनी होगी, तो हो जाएगी सिंपली 4/5 मेन स्केल डिवीजन की लेंथ। तो 1 BSD की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये हो गया कितना, 0.8 इंटू 1 मेन स्केल डिवीजन, 1 mm है आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ गया, 0.8 mm। अब लीस्ट काउंट का सिंपली फॉर्मूला पुट कर दो, 1 मेन स्केल डिवीजन 1 mm माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन 0.8 mm, तो ये आपको मिल गया कितना, 0.2 mm। समझ आई क्या बात, किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन ट्राई करो जरा। जो अगला क्वेश्चन है वो आया है जेई 2003 में, ठीक है। क्वेश्चन है एन डिविजन ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विद एन प्लस 1 डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल, इफ ईच डिविजन ऑन द मेन स्केल इज ऑफ ए यूनिट्स डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। एन MSD आया हुआ क्वेश्चन, ये इक्वल है एन प्लस 1 VSD के और 1 मेन स्केल डिवीजन की जो लेंथ आपको दी गई है वो ए यूनिट्स दी गई है, तो लीस्ट काउंट क्या होगा वन ईयर कैलिपर का, ठीक है। तो आप देख सकते हो 2003 में काफी सस्ता सवाल आया था। क्या हो जाएगा, सिंपली आप इस रिलेशन से निकाल लो, क्या आ जाएगा इस रिलेशन से, 1 वन ईयर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू एन बाय एन प्लस 1 इंटू मेन स्केल डिवीजन, जो कि कितना है, ए है। तो एन बाय एन प्लस 1 इंटू ए, ये आपके पास आ गया है 1 VSD। अब लीस्ट काउंट हमें पता है क्या हो जाता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि ए माइनस एन ए बाय एन प्लस 1, यहां से मिल जाएगा ए अपॉन एन प्लस 1। ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से करना थोड़ा। तो क्वेश्चन है द एज ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड यूजिंग अ वन ईयर कैलिपर, जिसकी रिलेशन आपको दी गई है 9 डिविजन्स ऑफ द मेन स्केल आर इक्वल टू 10 डिविजन्स ऑफ द वन ईयर स्केल एंड 1 I की जगह 1 है वो, एंड 1 मेन स्केल डिविजन इज ऑफ 1 mm, ऐसा आपको बताया गया है, ठीक है। द मेन स्केल डिविजन रीडिंग इज 10, मेन स्केल की रीडिंग आपको बताई गई है 10 है, एंड द फर्स्ट डिविजन ऑफ वन ईयर स्केल वॉज फाउंड टू बी कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। जो पहला डिवीजन था वर्नियर स्केल का वही क्या कर गया, मेन स्केल से कोइंसाइड कर गया है। मास ऑफ द क्यूब आपको दिया गया है, आपको डेंसिटी बतानी है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है, ठीक है, और वर्नियर कैलिपर भी यूज हो रहा है। ट्राई करो सभी लोग ध्यान से करना। तो मैं निकाल लेता हूं, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन ये इक्वल हो जाएगा किसके, 9/10 मेन स्केल डिवीजन के, तो हो गया 9/10 ऑफ 1 mm, यानी कि 0.9 mm। तो आपका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा, लीस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि 1 mm माइनस 0.9 mm, तो ये आपको मिल गया कितना, 0.1 mm।
तो आपका वर्नियर कैलिपर लीस्ट काउंट क्या आ गया उसका, 0.1 mm आ चुका है। अब उन्होंने कहा है कि फर्स्ट डिवीजन ही क्या कर गया है, कोइंसाइड कर गया है। तो रीडिंग क्या होगी, मैं रीडिंग निकाल लेता हूं। रीडिंग की वैल्यू हमारे पास आएगी मेन स्केल रीडिंग, जो कि वो बता चुके हैं 10 mm है, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन फर्स्ट इंटू लीस्ट काउंट 0.1 mm। तो हमें साइड की लेंथ मिल चुकी है 10.1 mm। समझ आई बात? तो ये आपके पास क्या आ चुका है, 10.1 mm रीडिंग आ चुकी है साइड की, इसे मैं ए बोल देता हूं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में निकाल सकता हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा आपका ए क्यूब, यानी कि 10.1 का क्यूब। तो ये आ रहा है आपका 1030.301 mm³। ठीक है ना, ये आ जाएगा क्या हमारे पास वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाला सिग्निफिकेंट फिगर का फंडा लगा देंगे। जितने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पहले टर्म में वही सबके अंदर होने चाहिए। तो आप देख सकते हो यहां पे 3 है, तो आंसर में भी कितने हो जाने चाहिए, 3 हो जाने चाहिए। तो क्या आंसर देंगे हम, 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनाने के लिए बताओ आपको क्या करना होगा। यहां पर ही दिख रहा है कि अगर डेसिमल रहेगा तो 4 हो रहे हैं, तो 3 करने के लिए सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, इसे हो जाएगा 1030 mm³। समझ आई बात? एक बार हमारे पास वॉल्यूम आ गई तो डेंसिटी हम सिंपली लिख सकते हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी हो जाएगी मास बाय वॉल्यूम। मास आपको पता है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2.736 ग्राम, बाय वॉल्यूम आपको आ गई है 1030 mm³। ठीक है ना, कुछ इस तरह से दिया गया। और बतानी है आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो इसे कन्वर्ट भी कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, बस यहां पे लिख सकते हैं 2736 बाय 1030 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 6563 ऐसा कुछ, ठीक है ना। और राउंड ऑफ आप इसे कर दोगे, 5 को क्या कर देंगे, सॉरी 6 को क्या कर देंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ, तो 6 को अगर राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि 5 से बड़ा है, प्रीवियस टर्म को बढ़ाएंगे, 2.66 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बताओ जरा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर हैज 1 mm मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज 20 इक्वल डिविजन ऑन द वर्नियर स्केल विच मैच 16th मेन स्केल डिविजन, फॉर वर्नियर कैलिपर द लीस्ट काउंट इज। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 1 mm मार्क है मेन स्केल के ऊपर, तो आपको 1 मेन स्केल डिविजन की वैल्यू दी गई है जो कि कितनी है, 1 mm। 20 इक्वल डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल मैच विथ 16 मेन स्केल डिविजन, यानी कि 20 VSD ये इक्वल है 16 MSD के। अब आपको बताना है लीस्ट काउंट क्या है, ठीक है। तो आपको 1 VSD यहां से मिल जाएगा सिंपली, जो कि क्या हो जाएगा 4/5 MSD, यानी कि सिंपली कितना हो गया वो 4/5 mm, यानी कि 0.8 mm। तो हमारा लीस्ट काउंट कितना हो गया, 1 MSD यानी 1 mm माइनस 1 VSD यानी कि 0.8 mm, ये आ गया आपके पास कितना, 0.2 mm। सिंपल है, स्क्रीन पे आंसर भी दिख ही रहा था इसलिए काफी लोगों ने दे दिया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। तो सेकंड क्वेश्चन जेई 2013 में आया है, ध्यान से करना। सेकंड क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, कोई एरर नहीं है उसमें अभी, तो बस ये समझ लो। इट इज फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिविजन्स इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर। द 24th डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल इज एग्जैक्टली कोइंसाइडिंग विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स, द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये एडवांस में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान से करना पड़ेगा थोड़ा। क्या क्या इन्फॉर्मेशन में दी गई है वो देखो। सबसे पहली चीज तो ये दी गई है कि वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है, यानी जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाई कर रहा है 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, आपका वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो 5.0 और 5.15
सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि आपकी मेन स्केल का लीस्ट काउंट आप बता सकते हो। ऐसा कुछ है कि जो आपकी मेन स्केल होगी उसमें ये एक डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, और यहां आपका वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा होगा। तो ये आपको दिया गया है 5.10 और ये आपको दिया गया है 5.15। इसका मतलब कि मेन स्केल के एक डिवीजन की जो लेंथ होगी, वन मेन स्केल डिवीजन को आप बता सकते हो 0.05 सेंटीमीटर। यहां से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, समझ आई बात। उन्होंने कुछ बताया नहीं था हमें कि लीस्ट काउंट कितना है या फिर मेन स्केल का एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, लेकिन हमें इसे इस लैंग्वेज से समझना था कि जब आपने रीडिंग ली उस समय पे जीरो वर्नियर स्केल लाई कर रहा था 5.1 और 5.15 के बीच में। तो अगर इनके बीच में लाई कर रहा है तो यही नेक्स्ट टू नेक्स्ट रीडिंग्स है, और इनके बीच का डिफरेंस ही क्या हो जाएगा, मेन स्केल का लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मेन स्केल का एक लीस्ट काउंट, 1 MSD इक्वल आ गया 0.05 mm के, समझ आई बात। अब उन्होंने बताया है कि वर्नियर स्केल के 50 डिविजन की लेंथ इक्वलेंट है, यानी कि 50 VSD इसकी लेंथ इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के। तो एक वीएसडी की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी, वो हो जाएगी 2.45/50 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 0.049 सेंटीमीटर। तो यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, लीस्ट काउंट निकाल लूंगा अपने वर्नियर कैलिपर का, और लीस्ट काउंट हमें पता है 1 MSD - 1 VSD होता है, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, 0.001 सेंटीमीटर, समझ आई बात। अब आपको बतानी है कि रीडिंग कितनी है, तो रीडिंग हम सिंपली क्या बता सकते हैं, पहली बात तो देखो 5.1 से तो बड़ा ही है, तो रीडिंग आपकी हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग यानी 5.1 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन, उन्होंने बताया 24th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, तो 24 × 0.001 यानी क्या जाएगा, ये मिल जाएगा 5.124 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये आ जाएगी क्या रीडिंग, समझ आया।